बहुत से बार हमको ऐसा लगता है कि घर में इंटरनेट कनेक्शन होता है, लैपटॉप को कनेक्टेड या डेस्कटॉप को कनेक्टेड होता है, लेकिन हमारे पास कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोबाइल में 4G कनेक्शन नहीं होता है, कुछ कुछ अदर वजह से मोबाइल का स्पीड ज़्यादा नहीं होता है। तो उस समय हम चाहते हैं कि जो भी हमारा व्हाट्सएप है हम उसको लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कनेक्ट कर ले। तो उस समय हमको वो लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कैसे कनेक्ट करना है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। विद इन 30 सेकेंड आप अपना जो व्हाट्सएप है वो लैपटॉप से, लैपटॉप में पूरा व्हाट्सएप जो है देख सकते हो। कैसे, हाउ डू आई यूज़ व्हाट्सएप ऑन माई कंप्यूटर? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक आपको google.com www.google.com में सर्च करना है, और गूगल के अंदर आपको वेब व्हाट्सएप ये जो लिखा है ये सर्च करना है। ओके, सबसे पहले तो आपको वेब व्हाट्सएप ऐसा सर्च करना है। वेब व्हाट्सएप सर्च करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, सकते हो एंड्रॉयड, आईफोन, मैक, विंडोज़ पीसी, विंडोज़ फ़ोन के साथ आप अपने जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इसको व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको जो ऊपर फ्रंट ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेब, सॉरी व्हाट्सएप वेब, वहाँ पे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद एक ऐसा स्कैनर आएगा, एक QR कोड आएगा। वो QR कोड का लिए कोड के लिए आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करना है, उस व्हाट्सएप के सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में व्हाट्सएप वेब या वेब व्हाट्सएप ऐसा ऑप्शन रहेगा, वो ओपन करना है। वहाँ पे भी एक स्कैनर आएगा, वो स्कैनर आपका रियर कैमरा इसको लैपटॉप का जो QR कोड है उसके सामने रखना है। ऑटोमेटिकली जो QR कोड है वो मोबाइल का कैमरा उसे डिटेक्ट कर लेगा, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके जो PC है वहाँ पे आपका जो है व्हाट्सएप वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो इस तरीके से वो स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ से जो भी ऑप्शंस आपके मोबाइल में है वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे मोबाइल में भी ऐसा ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड में आपका प्रोफाइल फ़ोटो होता है, यहाँ आपको प्रोफाइल फ़ोटो देख सकते हैं, जॉब्स का आपका प्रोफाइल फ़ोटो आप चेंज कर सकते हो। जो सारे ऑप्शंस आप एंड्रॉयड मोबाइल में कर सकते हो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे दिस वेब के थ्रू, दिस लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको ये मैसेज रीड करना है, जिस टू रे थ्रू आउट जो मैसेज है उसको रीड करना है, उसको भी आप रीड कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ द मैसेज,